जब भी बात मोमी मेकओवर सर्जरी की आती है तो लोगों के दिमाग में यही होता है कि ये एक स्टमक सेंट्रिक प्रोसीजर है। स्टमक ये नेचुरली इस प्रोसीजर में एक कॉमन फोकस एरिया है, किंतु ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ये एक्चुअली एक हाईली कस्टमाइज्ड या कस्टमाइजेबल ट्रीटमेंट है जो इंडिविजुअल नीड या डिज़ायर के अकॉर्डिंगली टेलर की जाती है, एंड इट एनकम्पासिस वराइटी ऑफ प्रोसीजर्स। सो लेट्स लुक इन टू ब्रीफ डिटेल ऑफ दिस प्रोसीजर्स। वन एरिया इज ब्रेस्ट शेपिंग सर्जरीज। ब्रेस्ट शेप ये फीमेल बॉडी एस्थेटिक्स, साइकोलॉजी और सेल्फ एस्टीम से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बाद कई बार ब्रेस्ट श्रिंक होते हैं, कई बार साइज बढ़ जाती है, और हर बार ब्रेस्ट में लूजनेस आ जाती है जो इंडिविजुअल टेंडेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे केसेस में ब्रेस्ट को रिसाइज करने के लिए या ब्रेस्ट को रीशेप करने के लिए और कोई तरीका नहीं है सिवा ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरीज, जिसमें ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी या ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी है, जो आपके ब्रेस्ट एस्थेटिक्स को बढ़ा के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सेकेंड एरिया इज एब्डोमिनल शेपिंग। दूसरा बॉडी पार्ट जो प्रेगनेंसी में कॉमनली अफेक्ट होता है वो एब्डोमेन या टमी एरिया होता है, जिसमें एक्सेस फैट डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं और साथ ही टमी काफ़ी फ्लेबी या लूज हो जाता है। ऐसा होने का रीज़न एक्सेस ओवरस्टेज स्किन और लूज मसल्स होता है। और टमी टक सर्जरी है जो इन सारी चीज़ों को करेक्ट करके आपके एब्डोमेन को रीशेप करने में हेल्पफुल होता है। थर्ड एरिया इज बॉडी स्कल्पटिंग। कई फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एक्स्ट्रा फैट एक्युमुलेट हो जाता है, जिसे वे डाइट या एक्सरसाइज करने के बावजूद भी रिड्यूस या रिमूव नहीं कर पाते हैं। लिपोसक्शन ये इसके लिए बेस्ट मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, जो हर एक ऐसे बॉडी पार्ट से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करके आपके बॉडी को टॉन्ड, बैलेंस्ड और प्रोपोर्शनड लुक दे सकती है। फोर्थ एरिया इज जेनिटल रिजुविनेशन। बेबी बर्थ के बाद आपके बर्थ पैसेजेस है वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, वहाँ के मसल्स है, स्किन है, उसमें लूजनेस आना बहुत ही नेचुरल बात होती है। इस वजह से कई बॉडी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं या सेक्सुअल प्लेजर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उसे रिस्टोर करने के लिए वजाइनोप्लास्टी प्रोसीजर है जो बहुत ही यूज़फुल है, जिसमें वजाइनल मसल्स है या स्किन है उसे टाइटनेस दी जाती है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद या एजिंग के साथ जो वजाइना के आउटर लिप्स है, जिसे लेबिया कहा जाता है, वो लूज़ हो जाते हैं, वहाँ से आउटर स्किन जो है वो प्रोट्रूड होने लगती है। उसे रीशेप करने के लिए लेबिया प्लास्टिक प्रोसीजर है जो बहुत यूज़फुल है। एंड फिफ्थ एरिया इज फेशियल रिजुविनेशन। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी और एज के साथ आपके फेस पे काफ़ी फोल्ड्स है, रिंकल्स है, एज चेंजेस है, पिगमेंटेशन है, वो दिखने लगते हैं, और उसे करेक्ट करने के लिए कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस है, बोटोक्स है, फिलर ट्रीटमेंट है, फैट इंजेक्शन ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल ऐसी फेस रिजुविनेशन प्रोसीजर्स है। फ्रेंड्स, बेबी बर्थ ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी लेकर आई होगी, लेकिन उसके बाद जो भी बॉडी में चेंजेस हुए हैं वो शायद आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकते हैं। आप उसे देखकर खुश नहीं हो, लेकिन उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोमी मेकओवर सर्जरीज है जो आपके इन सारे चेंजेस को अच्छा करके आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके अपीयरेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बना सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके आजू बाजू में भी आपकी ऐसी फ्रेंड्स है जो अपने बॉडी चेंजेस को वापस अच्छा करना चाहती है, रिवर्स करना चाहती है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।